कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के बराइच से अजीबो गरीब मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां एक शादी में आए बाराती खाना खा रहे थे तभी दुल्हन पक्ष के एक युवक के कपड़ों पे खाने की छींटे पड़ गई, जिसके बाद पहले तो कहा सुनी हुई, फिर विवाद इतना बढ़ा कि दूल्हे के एक रिश्तेदार की मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहराइच जिले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात में खाना खाते समय हुए विवाद में वधु पक्ष के कुछ लोगों ने कथित रूप से लोहे की छड़ और डंडों से पीट पीट कर दूल्हे के एक रिश्तेदार को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने वधु पक्ष के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुपईडीहा थाना अंतर्गत मकनपुर गांव निवासी राम निवास आर्या के बेटे की शादी थाना क्षेत्र के ही रामनगर निवासी जयचंद्र आर्या की पुत्री से होनी थी, जिसको लेकर बारात रामनगर पहुंची थी। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि बाराती टेबल पे बैठकर खाना खा रहे थे तभी वधु पक्ष के एक युवक के कपड़ों पे खाने की छींटे पड़ गई। इस पर पहले कहा सुनी हुई, विवाद बढ़ा और गाली गलौज इतना बढ़ा कि लाज जूते चलने लगे। इसी दरमियान वधु पक्ष के गुड्डू वर्मा, डब्लू और मोटरू समेत कुछ लोगों ने पास में रखे डंडे और लोहे की छड़ से वर पक्ष के लोगों की पिटाई शुरू कर दी और मारपीट में दूल्हे के रिश्तेदार पुरवा गांव निवासी और एक अन्य घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज हेतु स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सोनू की मौत हो गई। दूसरे घायल बाराती का इलाज किया गया है और वो खतरे से बाहर है। वही थाना प्रभारी ने बताया कि दूल्हे के पिता की तहरीर पे 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 5-6 अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया और फिलहाल तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच और इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस बल की मौजूदगी में ये विवाह संपन्न करा दिया गया था और वहीं तीनों आरोपियों पे हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।